अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सादा और स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मास्टर में। तो दोस्तों आज की कटिंग बिल्कुल अलग तरीके से होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ऐसी कटिंग जल्दी नहीं मिलती है और ये कटिंग मैंने खुद से नहीं बनाई है। ये कटिंग हमें हमारे एक व्यूअर ने, उनका नाम है अमान अहमद, इन्होंने हमें कमेंट किया था और वो नाप भी दिया था कि सर आप इस नाप से कटिंग करें। तो उनका मैं आपको ये साइड में स्क्रीनशॉट में उनका कमेंट भी दे देता हूँ, आप देख लें। तो इसी नाप से हम कटिंग करेंगे और इस नाप से आपको सीखने भी मिलेगा, इसीलिए मैंने इसे ज़रूरी समझा। इन्हें अभी जल्द ही कमेंट किया था, एक दो दिन हुआ होगा, कल या परसों उनका कमेंट आया था, तो मैं आज ही इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी इसको बता सकूँ। क्योंकि दोस्तों ये ऐसी कटिंग बहुत ही मुश्किल होती है, जल्दी आती ही नहीं ऐसी कटिंग, इसका हिप और कमर जो भी है आप वीडियो में लास्ट में देखेंगे कि आपको मैं बताऊँगा। तो चलते हैं, हम उसकी कटिंग करते हैं, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों हमारे पास नाप है, ये हमारे अमान भाई ने दिया हुआ है। तो इसकी लंबाई है 38, कमर है 36 और हिप है 36, दोनों सेम है। मांडी 23 है, घुटना 20 और मोड़ी 18। तो हिप की चौथाई करेंगे हम, और चौथाई करने से क्या होगा कि हमारी लटक निकल आएगी 9 इंच की। तो उसके बाद जैसे हम नॉर्मल हम किनारे छोड़कर निशान लगाते हैं, उसी तरह हम किनारे छोड़कर एक निशान लगा लेंगे। पहले 9 इंच की लटक है तो आप 10-11 इंच की थोड़ा बड़ा निशान लगाएंगे, और ऊपर से आधे इंच की दूर पर एक निशान लगाएंगे। एक कॉमन हम हर पैंट में लगाते हैं, उसी तरीके से लगाएंगे। तो ये लकीर खींच लेते हैं। उसके बाद हम रखेंगे हिप। तो हिप हमने चौथाई किया हुआ है, इसको लटक बोलते हैं, हिप की चौथाई। तो हम इसको लटक रखेंगे 9 इंच। तो नीचे भी निशान लगाएंगे और ऊपर भी, इससे क्या होता है हमें लकीर बिल्कुल सीधी हो जाती है। ये तरीका बिल्कुल आसान है। तो इस दोनों लकीर को हम मिला लेंगे और लकीर खींच लेंगे। उसके बाद हम रखेंगे घुटना। घुटना हमारा 20 इंच का है, तो घुटना रखने के लिए हम लंबाई का पहले हाफ़ करते हैं। तो 38 हमारी लंबाई है, तो उसको हम आधा करेंगे, 19 × 38 होता है 19 हो जाएगा, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो 19 का हमारा हो जाएगा 20 इंच। इसी तरीके से और ऊपर भी एक निशान लगा लेंगे 20 इंच का। उसके बाद दोनों लकीर जो जो दोनों निशान हमने लगाया है उसको भी मिला लेंगे। उसके बाद हम रखेंगे लंबाई। तो लंबाई के लिए हम 1.5 इंच छोड़ते हैं बेल्ट की मार्जिन के लिए। तो लंबाई उन्होंने 38 दी थी अमान भाई ने, तो हमारे पास पेपर है तो छोटा छोटा पड़ गया है पेपर, तो हमने 36 इंची लगाया है निशान। आप लंबाई छोटी बड़ी कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो हमने 36 ही लगा दिया है दोस्तों। अगर 38 रखते तो फिर मार्जिन नहीं आती, मार्जिन दिखाने के लिए मैंने 36 निशान लगा दिया है। उसके बाद रख लेंगे हम मांडी। मांडी हमारी 23 है, तो हम 23 का आधा करेंगे, उसका आधा होता है 11.5, और फिर 11.5 का भी 11 करेंगे तो 6.25 इंच का, ये हमारा सेंटर बीच निकल आएगा। फिर उसके बाद 6.25 जहाँ हमारा बीच का सेंटर है वहाँ से हम निशान नापेंगे। तो जहाँ तक देखो हमारा पेपर ख़त्म होता है 6.25 इंच, तो 6.25 इंच हम नीचे भी निशान लगाएंगे। उसके बाद ये दोनों लकीर ऊपर वाली और नीचे वाली मिला लेंगे इंची टेप से, जैसे मैंने मिलाया हुआ है, उससे क्या हमारा बीच का सेंटर मिल जाएगा, घुटने का जो सेंटर बीच का रहेगा वो सेंटर मिल जाएगा। उसके बाद हम रख लेंगे घुटना। घुटना हमारा है 20 इंच का, उसकी चौथाई करेंगे 5 इंच एक तरफ, 5 इंच दूसरी तरफ। उसके बाद हम रख लेंगे मोड़ी, जिसको बॉटम बोलते हैं, तो 18 का आधा करेंगे 9 इंच, फिर 9 को आधा करेंगे तो 4.5, तो एक तरफ 4.5 और दूसरी तरफ 4.5। उसके बाद हम ये तीनों लकीर को मिलाएंगे। किनारे वाली लकीर को, जो किनारे वाली लकीर है इसको हम हल्की राउंड पटरी से मिलाते हैं, और बीच वाली को सीधी सीधी पटरी से, इसको भी मिला लेंगे। अपने तरफ जो दूसरी पटरी है उसी पटरी को हम घुमा कर फिर इसको भी निशान लगा लेंगे। अब चलते हैं ऊपर। तो जो बीच की लकीर है उसको हम सीधा सीधा मिलाएंगे पहले ऊपर तक का, और फिर किनारे भी सेप दे के मिलाएंगे एकदम, तो बिल्कुल सेप, बहुत ही कम सेप हमारा बैठ रहा है, तो जैसे भी हमारी पटरी बैठेगी उसी तरीके से हम इसको मिलाएंगे। अब देखो अब यहाँ पर हम रखेंगे कमर। कमर हमारी है 36 इंच, तो उसकी भी चौथाई करेंगे 9 × 36, 9 इंच निशान लगाएंगे, उसमें 1 इंच मार्जिन देंगे सिलाई के लिए, ये दोनों तरफ की मार्जिन आ जाएगी हमारी। तब ऊपर भी हम इसे राउंड शेप से मिला लेंगे बिल्कुल।
उसके बाद हम निशान लगा लेंगे पॉकेट की, तो 2.5 इंच ऊपर लगा लेंगे और 7, या फिर आप 7.5 लगाएं, बड़ी कमर है तो आप 7.5 लगाएं, 7.5 लगा लेंगे। फिर इसको भी मिला लेंगे। उसके बाद फ्रंट हम डाउन करते हैं ऊपर से, तो 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगा कर इसको डाउन करेंगे। इसे हल्की राउंड पट्टी से भी डाउन कर सकते हैं। फिर फ्लाई की राउंड दे देंगे और मैं इसमें लिख देता हूँ, लेंथ इसकी 38 थी, मैंने 36 काटी हुई है, तो कमर इसकी 36 है और घुटना 20 इंच का है, बॉटम हमारा है 18, मैं उसे भी लिख देता हूँ। अब देखेंगे आप, पूरी मुकम्मल हो गई हमारी ये निशान हमारा, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। दोस्तों अगर आपको भी कुछ कोई भी नाप की कटिंग करना है, आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कटिंग करके। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लें। तो फ्रंट कटिंग करने के बाद हम फ्रंट को ही जिस तरह से मोड़ते हैं कपड़ा, उसी तरह ये पेपर मोड़कर उल्टा रख देंगे और इसको बिछा लेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो में बिछाया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ नीचे बटन के पास एक निशान लगाएंगे सीधा सीधा और घुटने के पास भी। इसकी मार्जिंग आप ना नापें, आप बिल्कुल नीचे और 1.5 इंच रख दें और घुटने के पास 1.25 इंच रख दें, ये बिल्कुल बराबर आ जाता है दोस्तों। तो ये हल्की राउंड पट्टी से इसे भी मिला लेंगे और ऊपर एक लकीर खींचेंगे जहाँ पर हमारा लटक है, और एक लकीर और खींचेंगे 1/2 इंच की दूरी पर, और यहाँ पर हम रखेंगे 2.5 इंच और इसे भी मिला लेंगे। आपको जो बताने वाला हूँ कि इनका नाप जो है, वो अभी आपको बताता हूँ आगे क्या हुआ था इसमें। तो दोस्तों ऊपर से हम पेपर थोड़ा हमारा कम है, 1.5 इंच रखें आप, 1/4 इंच हमारा आ रहा है, तो ये 1/4 इंच भी रखते हैं, 1.5 इंच भी रखते हैं, तो ऊपर तिरछा निशान लगाएंगे जैसे कि मैं लगा रहा हूँ वीडियो में। अब दोस्तों अभी हमारा जो हिप और कमर बिल्कुल बराबर है, आप देखो मैं पेन निशान लगाया हूँ मैंने, यहाँ से हम अगर रखते हैं चौथाई कमर की 9 इंच, उसके बाद हम हिप नापेंगे तो हमारी हिप बहुत बाहर जाएगी। यही आपको बताना था कि इनकी हिप और कमर एक सेम है, देखो हमने रखा है तो हिप बहुत बाहर जा रही थी, हम क्या करेंगे फ्रंट को थोड़ा आगे करेंगे, थोड़ा से आगे करेंगे तो ये हमारा बैग पीछे आ जाएगा। अभी मैं आपको निशान लगा कर दिखाता हूँ, कमर भी 36 है और हिप भी 36 है, तो इसे देखो आप इसे बाहर से थोड़ा बाहर कर लेंगे यहाँ से, जैसे मैंने किया। अब इसको रखेंगे कमर, कमर की चौथाई रखेंगे 9 इंच, उसमें हम 1/4 इंच की एक मार्जिन देंगे, ये हमारी पीछे प्लेट भी आती है और सिलाई की मार्जिन, और उसके बाद 2 इंच कटिंग करने के लिए। अब यहाँ से हम सिलाई का दाब देके इसकी हिप की चौथाई रखेंगे 9 इंच, मैंने 36 की चौथाई 9 इंच रखा, उसमें मैंने 1/2 इंच की और मार्जिन दाब एक्स्ट्रा छोड़ा है 1/2 इंच, आप अगर नहीं छोड़ेंगे तो भी चलेगा, मैंने इसे बढ़ा लिया है 1/2 इंच, आप चाहें तो बिल्कुल फिट रखें। तो अब इसे भी मिला लेंगे और इसे राउंड कर देंगे हिप के पास जो है, और कटिंग जहाँ से करते हैं वो थोड़ा बड़ा करके करते हैं, तो हम पॉकेट का निशान लगा लेते हैं पहले, इसका आधा कर लेंगे, उसके बाद 5 इंच की एक पॉकेट है, पॉकेट का निशान लगा लेंगे। तो कटिंग हमारी देखो बाहर से होती, मैंने निशान लगा दिया है दोस्तों, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछें, मैं इसको और बारीकी से भी बता दूंगा आपको। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है दोस्तों, और सब्सक्राइब कर घंटी बटन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि दोस्तों मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।